मोदी सरकार का आखिरी पूर्णकालिक बजट पेश हुआ है। बजट को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में महिला, दलित, पिछड़े वर्गों का ख्याल नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि केवल लुभावन और झूठे वादे के अलावा इस बजट में कुछ नहीं है। सरकार ने 80 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का भी वादा किया था। यूपीए सरकार में जो बेरोजगारी दर 2.2% थी, आज वो 8% हो गई है और 6 करोड़ नौजवान बेरोजगार है। शिक्षा का बजट, स्वास्थ्य का बजट, कृषि एवं कृषि से संबंधित कल्याण के मद का बजट, यूरिया सब्सिडी में बजट में भारी कटौती की है। इस प्रकार से मनरेगा योजना, जो इस देश की सबसे प्रभावी योजना है, यहां तक कि कोरोना में करोड़ों करोड़ों लोगों को मनरेगा ने जीवनदान दिया, उस मनरेगा के बजट में भाजपा सरकार ने 33% की कटौती की है।